ये जो अभी आप दृश्य देख रहे होंगे, ये सीतामढ़ी जिला है, रून्नी सैदपुर ब्लॉक है, और ये जो ये मनुष्मारा नदी का की धार है, और ये धार जो आपको जिसमें अभी इस समय सूरज का रिफ्लेक्शन आपको दिखलाई पड़ रहा होगा, वो जो है एक तरीके से यहाँ का दंश है, यहाँ का दर्द है। और ये रिफ्लेक्शन देखने में जितना खूबसूरत लग रहा होगा, ये रिफ्लेक्शन इतना खूबसूरत है नहीं। ये पूरी ये मनुष्मारा का की धार है और मनुष्मारा का प्रभाव है, और ये पूरी पूरा जो पानी है वो बिल्कुल काला है। हमने एक इस पर विस्तृत बातचीत यहाँ के स्थानियों से की है, और दोनों तरफ जब आप देखते हैं इसके ये दोनों तरफ, ये हम हाईवे पर हैं, NH-77 है ये रईश, NH-77 है, और इसके दोनों तरफ आप अगर देखते हैं तो थोड़ी दूर अब थोड़ा तेज चला ले रईश, तो ये दोनों तरफ पानी का देखिए ये फ्लो है, और ये पानी जो है यहाँ का दर्द दंश मनुष्मारा जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम भी है, मनुष्यों को मारने का इसका काम है खास तौर से, और ये पूरे इस इलाके को बहुत प्रभावित करती है। और ये देख रहे हैं जो आप जो सारे लोग इस समय बाढ़ से प्रभावित हैं, वो सारे लोग अपने घरों को छोड़ करके ये सारे प्लास्टिक्स लेकर के यहाँ तक चले आए हैं, और वो भी अपना, ये जो आप अगर आपके सामने दृश्य दिख रहा हो तो ये सोचिए कि बाढ़ की ये सारे लोगों की जिंदगी जो है वो सड़कों पर चली आई है, और ये सारे जो प्लास्टिक्स भी हैं ये इन्होंने खुद से खरीदा है। परसों जो हमारी बातचीत इनसे हो रही थी, उन्होंने बताया कि ऐसी कोई सुविधा शासन प्रशासन की ओर से नहीं मिली है और सारी चीजें हमारी अपनी है, तो ये हमारी एक आपको दिखाने की कोशिश। क्या नाम है आपका, क्या दिक्कत है आपको? बहुत दिक्कत है, कुमारिया देवी नाम है, 8 नंबर में घर बसतपुर। अच्छा। हाँ, कुछ ना दे गया, हम सब भूखे मर रही थी, रुनी वाला खाइया, हमरा सके तक आवैया, मुखिया में कुछ दे रहा है, ये हम सब देखे छी कौन दशा हो गया के आंख में टप्पर बना लेते तो ना ना अथी करते के सुखल वाला खाई छै आ दहल वाला तो कहै छै ना अपना राशन फासन ना अपना कुछ दे गया के आवैया तो एक गोरा दो गोरा के दे दैया सब हुले हुले करैया तो चल जाइया के कोनो एगो आदमी में ना रहो बटवा दो सब पनिए पन खाबे घर सब कोई मर रहल है रास्ता पर सब इतना इतना पानी हेल के आवै अगना घर में कल तल सब डूब गेलै कते कते बाल बच्चा कुछ न दे जाए न राशन न पानी राशन लगे ली तो राशन लगे के लिए तो बिलगा देला राशन लगे लिए तो बिलगा देला क्या कहना है आपको? आना है जो हमको कुछ हमको तो कोई नहीं है, हमको तो कुछ चाहिए, पन्नी दीजिए, हर चीज दीजिए, घर में पानी है, अंगना में पानी है, हर बार आप लोग का डूब जाता है, डूब जाता है, हर बार डूब जाता है, बिल्कुल लोग के यही ऐसे लेकर के वहाँ तक। क्या सब शासन प्रशासन का कोई सहायता? कोई सहायता ना, कोनो छाखी पारे में ना करे। और कुछ बोलना है? बना हुआ घर सबके उजड़ जाता है, डूब जाता है, और कोई खाने पीने के साधन नहीं रहता है, कितना बाल बच्चा लेकर के इस रोड पर थोड़ा रोड पर गाड़ी चलता है। जाने आने का रोड हुआ, रोड चल गया मन में, सबके घर में पानी पैसा हुआ है, फिर भी आना ही जाता है सर रोड पर, जो घर बना है ना बाल बच्चा लेकर के रहे। रघुनाथ पासवान, और आए हैं तो ब्लॉक से, चाहे मुख्यमंत्री साहब चाहे डीएम साहब, वो आदेश किए हैं, 6,000 रुपया का आदेश हो चुका है, ठीक है, लेकिन अभी भुगतान नहीं हुआ है, लिस्ट उस्ट बन के चल गया है। दूसरा नंबर, ये पन्नी का सुविधा हम लोग का अभी तक नहीं हुआ है, बहुत उपाय में हम लोग लगे हुए हैं लेकिन पन्नी का कोई असर नहीं हो रहा है। मनुष्मारा का डूब इलाका है, और मनुष्मारा जहाँ जहाँ तक जाती है वहाँ फिर कोई खेती नहीं हो पाती है, तो
तो ये एक यहाँ का दर्द है सीतामढ़ी जिले का रुन्नी सैदपुर ब्लॉक का और मुजफ्फरपुर के धरहरवा पंचायत का। तो बिल्कुल प्रखंड मुख्यालय से 200-400 मीटर की दूरी पर जो इलाका है वो भी उसके होने के बावजूद इन सारे इलाके के लोगों को किसी भी तरीके की कोई सुख सुविधा मिली हो शासन प्रशासन की ओर से, ऐसा कम से कम हमें तो नहीं दिखलाई देता। तो मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी खास तौर से ये पूरा इलाका जो है वो इसी तरीके का दंश झेल रहा है।